हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और हम सीख रहे हैं फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड्स. सो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है. आई होप आप सब ने फर्स्ट पार्ट हमारा एंजॉय किया होगा. एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करना अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या फिर हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट. हम लोगों ने ए अल्फ़ाबेट को कम्प्लीट कर लिया था एंड टुडे हम ये बी अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे. सो हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्यूमॉन. ब्यूमॉन मीन्स होता है द वर्ल्ड ऑफ फैशन. ब्यूमॉन मीन्स द वर्ल्ड ऑफ फैशन. एंड बी का सेकेंड वर्ड है हमारा बेलेस लेटर्स. बेलेस लेटर्स मीन्स फाइन लिटरेचर. फाइन लिटरेचर, इसको हम एक सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं. बेलेस लेटर्स को लिटरेरी वर्क्स वैल्यूड मोर फॉर दियर एस्थेटिक क्वालिटीज देन फॉर एनी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट. सो बेलेस लेटर्स मीन्स होता है फाइन लिटरेचर. नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिलेट डो. बिलेट डो मीन्स लव लेटर्स. दिस इज वेरी सिंपल वर्ड. बिलेट डो मीन्स लव लेटर्स. सो हमें लव लेटर्स ध्यान रखना है. बिलेट डो. सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिजार. बिजार मीन्स एसेंट्रिक, ग्रोटेस्क्यू, वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल. इसको हम एक सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं. His behavior has been seen bizarre these last few days. So bizarre means eccentric, grotesque, very strange and unusual. I hope this word, शब्द आपको क्लियर हो गया होगा. Bonhomme means good friend. Bonhomme, good friend. And next word है हमारा bon boys. Bon boys means a good boys to you. का मतलब है जब कोई जर्नी पर निकलता है तो हम उसको विश करते हैं हैप्पी जर्नी, गुड जर्नी. इतनी तो इसको हम बोलते हैं बॉन वॉयस. बोनाफाइडी. बोनाफाइडी मीन्स जेन्यून, सिंसियर, इन गुड फेथ. इसको हम एक सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं बोनाफाइडी को. आई होप द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव सबमिटेड दैट इज बोनाफाइडी. बोनसाई. बोनसाई ये एक जापान की आर्ट है जिसमें हम बड़े पेड़ को छोटे पेड़ की तरह लगाकर रखते हैं. द कल्टीवेशन ऑफ मिनिएचर ट्रीज. क्योंकि जापान में अर्थ इतनी है नहीं तो वो जो बड़े बड़े पेड़ों को अपने घरों में ही लगा के रखते हैं तो इसको बोलते हैं बोनसाई. बोनसाई मीन्स कल्टीवेशन ऑफ मिनिएचर ट्रीज. और ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग कुछ है, इसका प्रोनंसिएशन कुछ है, तो इसको हम बोलते हैं वाजवा. वाजवा. वाजवा मीन्स द मिडिल क्लास, पूंजीवादी या फिर दखियानुसी. ठीक है. वाजवा. वाजवा मीन्स द मिडिल क्लास या फिर दखियानुसी, कई तरीके से. सो आज हम लोगों ने ये बी अल्फाबेट के जो वर्ड्स हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं. फ्रेंड्स, ये वर्ड इनका फ्रेंच में, अमेरिकन में, ब्रिटिश में, इन सबका प्रोनंसिएशन अलग अलग है. आप इसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको प्रोनंशिएट कर सकते हैं. हमारा मेन मोटिव है कि हमें इसमें जो इसका मीनिंग है वो हमें आना चाहिए. सो थैंक यू सो मच.